हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट काश, और आज की वीडियो के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है दो तीन नाम है। आप चेक योर नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस ये भी बोल सकते हो इसको, अप्रूवल भी बोल सकते हो उसको, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से आती है कि आप अगर डिवाइस जो है अपना किसी अदर डिवाइस में लॉग इन करते हो, ठीक है, या फिर कोई हैक करके आपका लॉग इन करता है तो वो अप्रूवल पे चला जाता है। ठीक है, और आपके पास ना फ़ोन होता है, ना वो जीमेल होता है, ना नंबर होता है, मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उस अकाउंट को किस तरीके से ओपन करना है आपको वो मैं बताऊँगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स सी। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर रखा है मेन ऑफिशियल ऐप से, फेसबुक के। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि चेक योर नोटिफिकेशन ऑन अदर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे जिस जैसे ही लॉगिन करोगे ना मेन फेसबुक ऑफिशियल ऐप में, तो ये नोटिफिकेशन भेजता है दो फोन्स में। यहाँ पे ऊपर दो फ़ोन का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वीवो T1 और टेक्नो स्पार्क 10C, लेकिन इस बंदे के पास कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे उसमें लॉगिन करते हो तो वहाँ पे अप्रूवल का बोलता है ब्राउज़र में कि आपने इस फ़ोन से लॉगिन किया, वहाँ पे अप्रूव करोगे तो यहाँ से वो ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो ट्राई अनदर वे का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन ऑन अदर डिवाइस, तो आपके पास डिवाइस नहीं है, सिक्योरिटी की, और बैकअप कोड। ठीक है, ये दो चीज़। तो दो चीज़ जो है वो दो जन किसी के पास नहीं होता, ना ही कोई देखता है, ना ही कोई ध्यान देता है। ठीक है, कि भाई जब भी आप टू फैक्टर लगाओ तो बैकअप कोड जो होते हैं ना उसको आप सेव करके रख लो, सबसे मेन चीज़ होता है, ताकि आपको आगे कभी भी दिक्कत ना आए। ये बहुत जन नहीं करते हैं, 95% लोग नहीं करते हैं ये चीज़, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको करो ताकि आपका अकाउंट कभी भी नहीं दोबारा इस तरीके से प्रॉब्लम में आए। तो यहाँ पे देखो, बैकअप कोड करोगे तो यहाँ बैकअप कोड मांगेगा, सिक्योरिटी करोगे तो सिक्योरिटी की मांगेगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ऑफिशियल ऐप से कुछ भी करने का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस अकाउंट को कोई भी ब्राउज़र में ओपन करना है, कीवी ब्राउज़र हो गया या फिर क्रोम ब्राउज़र हो गया। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करोगे तो ये इस तरीके के इंटरफेस शो हो के आएगा कि आपको यहाँ बोलेगा कोड डालने को, और यहाँ पे लिखा रहेगा हैविंग ट्रबल का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हैविंग ट्रबल का मतलब है कि आप नहीं कोड डाल सकते हो, नहीं कोड लॉगिन कर पा रहे हो। ठीक है, आप तो इसका ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अप्रूव फॉर्म अनदर डिवाइस, जो कि सेम यहाँ वाला चीज़ है जो अप्रूव करने को बोल रहा है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमारा क्या है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको ब्राउज़र में मिल जाता है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक बटन आ रहा होगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, आपको अपने अकाउंट का जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम, फुल नेम पता होना चाहिए, बस उसकी ही ज़रूरत है यहाँ पे। और एक आपके पास मेल होना चाहिए अलग तरीके से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईडी अपलोड करनी है। आईडी अपलोड का मतलब आधार कार्ड होता है। अगर आपका अकाउंट से आपका सेम नेम आधार कार्ड है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अगर नेम दूसरा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम आधार कार्ड का है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले नेम चेंज कर सकते हो अकाउंट को। इसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, कि आपका अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे 3/8/2000 है, और अकाउंट में भी आपका 3/8/2000 है, लेकिन आपके आधार कार्ड पे नाम आकाश पांडे है और फेसबुक पे पंकज शर्मा है, तो आप क्या करोगे, पहले आधार कार्ड का जो नेम है ना उस सेम आप फेसबुक अकाउंट से करोगे, फिर अपलोड करोगे। दूसरा ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, कि भाई आपके पास नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों अलग अलग है, अकाउंट से आधार कार्ड से अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका नेम है आधार कार्ड है नेम है, और जो जो आपके फेसबुक अकाउंट में नेम है और आधार डेट ऑफ बर्थ है, उस दोनों चीज़ से आपको एक न्यू आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल प्रूफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है। मेन चीज़ देखो यही होता है अकाउंट ओपन का, कि आप एक एक्सेप्टेबल प्रूफ बनाओ। ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल प्रूफ बनाते हो तो हैक हो गया या फिर टू फैक्टर हो गया, लॉक हो, सब चीज़ रिकवर हो जाता है 2 मिनट में। ठीक है, तो दो चीज़ करना पड़ेगा। तो अभी आपको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ईमेल एड्रेस डालना है। चलो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक डाल के देखते हैं। ये ईमेल एड्रेस मैं अपना ही यहाँ पे पुट करता हूँ, और नया ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी लगा हुआ ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ये ऑलरेडी इन यूज़ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। और ज़्यादा ट्राई करूँगा तो ये शायद मेरा ब्लॉक भी कर देगा, तो फिर मैं वीडियो शायद नहीं बना पाऊँ। देखो वेरिफिकेशन कोड गया, यहाँ पे देखो एक स्टेप है, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपको। चलो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड देख लेता हूँ, ये नया अपडेट किया है फेसबुक ने, बहुत सारी अपडेट्स आते रहती हैं यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड देख लेते हैं, और इसको वेरिफिकेशन कोड को डालना है। ध्यान रखना आपका ईमेल दूसरा होना चाहिए, अगर बार बार करोगे तो ये ब्लॉक कर देगा। सेम ईमेल आप बार बार यूज़ करोगे
दो तीन बार के बाद ये ब्लॉक कर देगा, बोलेगा 24 आवर्स के बाद आप आओ तब आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोड आ चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ सके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एक प्रूफ अपलोड करना है। देखो प्रूफ किस तरीके का अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ एकदम क्लियर होना चाहिए और 1 से 2 MB का होना चाहिए। 1 MB से कम का प्रूफ अपलोड करोगे जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा, होता भी है लेकिन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 MB से ऊपर का प्रूफ रखना। नेम डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करके भी आप आधार कार्ड से सेम कर लेना, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूफ अपलोड कर देना है। और अगर नहीं है आपका नेम डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो आप प्रूफ अलग से बना लो, एक नहीं आपको चेंज करना है तो अलग से बना लो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आधार कार्ड से नेम चेंज सेम कर लो, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने प्रूफ अपलोड कर दिया। प्रूफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि थैंक्स फॉर रिव्यूइंग योर अकाउंट, थैंक्स फॉर रिव्यूइंग आईडी करके, और यहाँ पे आपको वेट कर लेना है, ठीक है। रिजेक्शन का आएगा मेल, तो रिजेक्शन के मेल पे आपको जाके प्रूफ अपलोड करना है और दोबारा से आपको इस पे प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स फॉर सबमिटिंग और इन्फॉर्मेशन करके आ गया नोटिफिकेशन, और यहाँ पे बोल रहा है कि हम 24 घंटे में आपको आपके अकाउंट को रिव्यू करेंगे। यहाँ पे फिनिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मेल आ चुका होगा, यहाँ पे मेल पे आपको क्या करना है, अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको फिर से यहाँ पे मेल पे रिप्लाई करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, ठीक है। तभी रिजेक्ट करेगा जब आपका डेट ऑफ बर्थ अलग हो, डेट ऑफ बर्थ अलग हुआ तभी रिजेक्ट करेगा, या फिर नेम अलग हो तभी रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेम को यहाँ पे रख लेना है, नेम को आपको सेम रख लेना है आधार कार्ड से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा नोटिफिकेशन आ गया है पंकज का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे रिव्यूज़ का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका कहाँ तक अकाउंट जो है सबमिट हुआ है, आधार कार्ड कहाँ तक आपका सबमिट हुआ है, अकाउंट कितना तक ओपन हुआ है। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा देगा इन रिव्यू में, ठीक है। अगर डिसीजन मेड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया, मतलब फिर से आपको अपलोड करना है अच्छा आधार कार्ड और नेम सेम रखना कम से कम, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और पता चला होगा कि किस तरीके से अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।